नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा है और मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि मैं यहाँ बैठ के ये बातचीत क्यों कर रहा हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर उमेश सिंह शर्मा कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और इटरनल हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया था, लेकिन सीटी स्कैन फाइंडिंग्स की वजह से सबको डाउट हुआ कि ये प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ सकती है। एंड एवरीवन सजेस्टेड दैट द बेस्ट पॉसिबल प्लेस जहाँ पे इनको लाया जा सकता है वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है। सेकेंड डे फादर को महात्मा गांधी शिफ्ट कर दिया गया। मैं उस समय दिल्ली में था, काफ़ी आशंकाओं के साथ मैं दिल्ली से जयपुर पहुंचा कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। लेकिन आते ही मेरी बातचीत डॉक्टर आशीष और डॉक्टर आनंद से हुई। दोनों ने ही मुझे बहुत ही रिश्योरिंग तरीके से बातचीत की और जैसे कि एक अटेंडेंट चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, एक बार डॉक्टर उससे आशापूर्ण तरीके से रिश्योरिंग बातचीत कर ले तो आधा डर वैसे ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही मेरा कोविड को लेकर आधा डर खत्म हो चुका था। हल्के हल्के फादर की स्थिति थोड़ी सी और खराब हुई, फादर को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ के सारे कंसल्टेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्टर आशीष, डॉक्टर आनंद और डॉक्टर रोहित सुबह शाम मेरे से टच में रहते थे, मुझे पूरी ब्रीफिंग देते थे और मुझे ही नहीं जितने भी वहाँ के पेशेंट्स थे सबके अटेंडेंस को ब्रीफिंग देते थे। इस तरह से मेरा मनोबल और मेरा हौसला बहुत बना रहा। साथ साथ मेरा ही नहीं मेरे पिताजी का भी वो लगातार बातचीत कर कर हौसला बनाए रखे क्योंकि वो 81 ईयर्स के हैं। दवा के साथ साथ उनको इस समय हौसला अफजाई की बहुत जरूरत थी। इस तरह सबकी हौसला अफजाई से, भगवान की कृपा से और डॉक्टर के अथक प्रयासों से मेरे पिताजी आखिरकार ठीक होकर आज से 5 दिन पहले घर पहुँच गए। इस एहसान को और इस हॉस्पिटल की जो केयर थी, जो तीमारदारी थी, हर लेवल पे नीचे से ऊपर तक, फ्रॉम द लेवल ऑफ GDA टू द लेवल ऑफ कंसल्टेंट्स टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैं जब भी कोई बातचीत करना चाहता था एवरीवन वाज अवेलेबल टू टॉक टू मी एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन गैप से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, बल्कि मैंने भी सीखा है कि अगर मैं आगे जाकर मैं मरीजों से बातचीत करूंगा तो मुझे भी इस तरीके से ही सहायतापूर्ण तरीके से अच्छे से सब समझाते बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।